तो दोस्तों आज हम राजस्थान सिटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है, तो वह जिला है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर वह जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला माना जाता है। कौन सा? धौलपुर। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न देखे हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहे। तो अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक तहसीलें हैं, तो वह जिला है जयपुर। ठीक है, जयपुर वह जिला है जिसमें सर्वाधिक तहसीलें हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान एवं गुजरात राज्य दोनों से लगा हुआ है, तो वह जिला है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर राजस्थान का वह जिला है जो पाकिस्तान एवं गुजरात राज्य दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है। कौन सा जिला? बाड़मेर। अगला सवाल है कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं, तो वह जिले हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू। ये तीनों जिले हैं जो शेखावाटी क्षेत्र में शामिल जिले हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं, तो आपको याद रखना है वह जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू। अगला सवाल है कि राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आपको रट लेना है कि राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो वह जिला है पाली। ठीक है, पाली वह जिला है जिसकी जो सीमा है सर्वाधिक जिलों से लगती है। किस जिले की? पाली जिले की। अगला सवाल है कि राज्य का वह जिला जहाँ की लगभग आधी आबादी नगरों में रहती है, तो वह जिला है कोटा। ठीक है, कोटा राजस्थान का वह जिला है जिसकी लगभग आधी आबादी है जो नगरों में निवास करती है। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है, तो वह जिला है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर वह जिला है, वह राजस्थान का 27वां जिला है। कौन सा? धौलपुर। अगला सवाल है कि राज्य का 32वां जिला करौली कब बना, तो आपको याद रखना है यह बना था 19 जुलाई 1997 में। ठीक है, 19 जुलाई 1997 में राज्य का 32वां जिला करौली है जो बना था। अगला सवाल है कि राज्य की सबसे पुरानी नगर परिषद है, तो कहाँ पर है, तो यह है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में राज्य की सबसे पुरानी नगर परिषद है। अगला सवाल है कि राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में हैं, तो वह जिला है जयपुर। ठीक है, जयपुर जिले में क्या है? सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, किस जिले में? जयपुर जिले में। अगला सवाल है कि राज्य में सर्वाधिक गांव किस जिले में बसे हैं, तो वह है गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर राजस्थान का वह जिला है जिसमें सर्वाधिक गांव है जो बसे हुए हैं। किस जिले में? गंगानगर में। अगला सवाल है कि 56 की पहाड़ियाँ राज्य की किस जिले में अवस्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि छप्पन की पहाड़ियाँ राज्य की किस जिले में अवस्थित हैं, तो वह जिला है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ हैं जो अवस्थित हैं। अगला सवाल है कि राज्य में कुल कितने पर्यटन संभाग हैं, तो वह संभाग है 4। ठीक है, राज्य में 4 जो संभाग है वह पर्यटन संभाग है। अगला सवाल है कि राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको रट लेना है कि राज्य के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने हैं, तो वह बने हैं स्वाई मान सिंह। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, तो यह होती है परिभ्रमण गति के कारण। ठीक है, परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है। अगला सवाल है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको रट लेना है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है तो कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वह है 26 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल है कि खालिस्तान को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो आपको याद रखना है यह चमकता है कब, तो आपको याद रखना है यह चमकता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को क्या होता है? 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? 21 जून को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, तो वह तहसील है कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ राजस्थान की वह तहसील है जो दक्षिणतम भाग में स्थित है। कौन सी तहसील? कुशलगढ़। अगला सवाल है
कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, ठीक है, पहले भी बताया था मैंने कि उत्तर से दक्षिण तक दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर, ठीक है, 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो वह रेखा है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अगला सवाल है कि एनला एंड एंटी फिक्टिज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको याद रखना है यह जो पुस्तक लिखी है यह लिखी है जेम्स टॉड ने, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है वह पुस्तक है एनला एंड एंटी फिक्टिज ऑफ राजस्थान, और यह पुस्तक किसने लिखी है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, तो वह क्षेत्र है ढूंढाड़, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, तो वह क्षेत्र है ढूंढाड़। अगला सवाल है कि खालिस्तान अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, तो राजस्थान का पुराना नाम था राजपुताना, ठीक है, राजपुताना है जो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, क्या था, राजपुताना। अगला सवाल है कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार रिपीट हो रहा है, पहले पूछा था मैंने कि कितने प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान फैला हुआ है, तो वह क्षेत्रफल है 10.4%, ठीक है, 10.4% जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान में विस्तृत हैं। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो वह सुमिलित नहीं है वह है बोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है, बोमट जो है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ यह सही सुमिलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों आपने कितने प्रश्न देखे हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।